महत्वपूर्ण चीज ये है कि हरियाणा में किसानों के लिए आपके लिए आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। आज किसानों को एमएसपी पे खरीदा नहीं जाता है, जो फसल खराब होती है उसका ये सही मान नहीं देते, मान नहीं देते क्या, ये खरीदते ही नहीं है। किसानों लगभग 30 से 25 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्ज में दबकर, कर्ज चारों तरफ फैला हुआ है। पानी की पाइपलाइन लेने के लिए या जो कनेक्शन पंप जो लगाते हैं वो नए कनेक्शन ट्यूबवेल का इन्होंने बंद कर दिया। भाई धान की फसल है, धान को पानी चाहिए, पानी अगर आप ट्यूबवेल लगाने से मना कर रहे हैं तो आप पानी लाके दो, आप क्यों नहीं देते पानी? ना आप पानी देते हो, ना आप पंप लगाने देते हो और बड़े चौधरी बन के बैठ गए। ऐसा नहीं चलेगा। किसानों का सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ इतने सारे 35% युवा हमारे बेरोजगार हों, कैसे हम हरियाणा को SIL का पानी सर, आप पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं, ट्यूबवेल को इशू पानी हरियाणा का तो आना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी, पंजाब में भी हमारी सरकार है, पंजाब में हरियाणा की सरकार बनके इस समस्या का समाधान कर लेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि एक नदी के पानी के समझौता इतना बड़ा मुद्दा है कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता? सॉल्व या इसको ठीक इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे अपनी राजनीति करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस मुद्दे को टेक्निकल तरीके से बैठ के जो सही है उचित है इसको प्रॉपर करना चाहिए। पंजाब में आपने कौन सी गलती की है जो आपने कहा कि आप हरियाणा में? मेरी एक गलती हुई, सिर्फ 92 सीट रह गई, 117 थे, बाकी कुछ हार गया। व्यवस्था करेंगे, महिलाओं को बस की सुविधा मिलेगी, शिक्षा मुफ्त होगा, स्वास्थ्य मुफ्त होगा, बहुत सारी चीजें, जनता का पैसा जनता को देंगे। और भ्रष्टाचार में जो ये खा रहे हैं, सबसे पहले उसको रोकना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को रोक के जो पैसा बचेगा वो जनता के जेब में डालेंगे, जनता के जीवन को सुखमय बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी इतने साल से इनकी सरकार है,